What's up guys? मैं आ चुका हूँ वापस अपनी नई वीडियो के साथ वापस इस संडे को। तो आज की वीडियो में आपको कुछ अजीब दिख रहा होगा क्या, जो मेरे बाल होने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है आज जो वीडियो उस बारे में है जो आपको दिखा सकती है सेक्सी, कमाल, बवाल और लड़कियों के दिल में कर दोगे आप गोलमाल। और ये चीज है आपके बाल, अगर ये ढंग से सेट नहीं है तो गोलमाल, बवाल, कमाल कुछ नहीं होने वाला। तो आज होने वाला है एक ट्यूटोरियल हैवी हाई वॉल्यूम क्विफ का, जो मैं अचीव करके दिखाने वाला हूं। चलो वीडियो की तरफ, गो फ्रॉम दिस टू दिस। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ये होने वाले हैं मेरे अनस्टाइल्ड हेयर। तो स्टाइल्ड हेयर तक जाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिस तरफ आपके बाल ग्रो होते हैं लेफ्ट या राइट, उसके अपोजिट साइड में लेके जाने पड़ेंगे और उधर जाके ब्लो ड्राई करने पड़ेंगे। उसके बाद फ्रिंजेस को पीछे और उनको भी पीछे ब्लो ड्राई करने का वेंट ब्रश से करना पड़ेगा। और आपको जो हेयर कट लेना है वो लेना है टेपर वाला। टेपर मतलब पीछे जो बाल होंगे वो छोटे होंगे, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फ्रंट ऑफ द हेड पे, तो यहाँ पे आते आते बाल थोड़े बड़े होते जाएंगे। फ्रिंज के बाल सबसे लंबे होंगे मेरे 5.5 इंचेस के, पीछे के 2.5 इंचेस के। आपको जो बालों को है अपसाइड डाउन भी ब्लो ड्राई कर सकते हो। अपसाइड डाउन मतलब दीवार पे उल्टे लटक के नहीं, बंदर जैसे। मैं अपसाइड डाउन का मतलब है कि आपको अपना सर नीचे लेके जाना है, उसके बाद हेयर ड्राई करना है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। अब हमारे मैक्सिमम वॉल्यूम आ चुका है और हमें सिर्फ अब शेप देनी है। तो मेरा जो ब्लो ड्राइंग ट्यूटोरियल है वो यही हो चुका है, मतलब मेरे हेयर मैक्सिमम जितने मेरे को सेट करने थे वो तो हो चुके हैं। लेकिन आपको इसको लॉक करने के लिए कोल्ड एयर का यूज करना है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, तो आज की वीडियोस में भी यूज करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम आ चुका है, अब हम लास्ट काम करेंगे प्रोडक्ट लगाने का, जिससे हमारे हेयर पूरे दिन सेट रहे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं बैड एस दिखने वाले हैं। तो अब आपको लास्ट काम क्या करना है, केविन मर्फी रफ राइडर लगाने वाला हूं मैं। अब देखो मैंने क्या किया है इसमें, मेरे थोड़े थिक हेयर है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई वॉल्यूम अचीव करने में, लेकिन मेरे जिन भाइयों के थिन हेयर हैं उनको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो लोग सहारा ले सकते हैं सी सॉल्ट स्प्रेस का, प्री स्टाइलर्स का। प्री स्टाइलर्स में भी उनको वाटर बेस्ड प्री स्टाइलर्स यूज करने, क्रीम बेस्ड यूज नहीं करने, वैक्स बेस्ड, जो उनके बालों के लिए हैवी हो सकते हैं, ठीक है। और आप टेक्सचराइजिंग पाउडर्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे ओसिस का डस्ट। इसका रिव्यू बनाना रह गया है मुझे पता है, लेकिन इसका रिव्यू भी आ जाएगा और केविन मर्फी रफ राइडर का भी रिव्यू आने वाला है। और ये मैं लगाने वाला हूं रूट्स तक लगाना, ढंग से इमल्सिफाई करना है। अगर सेक्सी हेयर स्टाइल रख के बैठे हो तो सेक्सी कपड़े भी होने ही चाहिए। तो सेक्सी हेयर स्टाइल को सेक्सी कपड़ों के साथ फेल करो, पेयर करो और लड़कियों के दिल को फेल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।